चतुर दिशा की
ने गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव जी की रचना तनासरी महला पंजवां गुरु ग्रंथ साहब 681 पेज उत्ते दर्ज है। हर मन प्यारा घर घर गाया सुन जाने वाला यह शब्द जिन्हों अक्सर असी इन्हां तुकां तों जाणदे हां, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई दे। मेंटली सानू बहुत सूट करता है ये सुनना, जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। पर किसी भी शब्द को अगर सही तरीके नाल समझना हो तो वो रहाओ दी तुक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो उदा मूल है, तत् है। वो नाल जब जोड़ के इन पढ़ा तो होर गल आएगी। तो आओ पहले रहाओ दी तुक पर विचार करने पर रहाओ दी तुक हरजन राखे गुर वो गई। वो प्रभु परमात्मा जो है अपने जन की हर जन इस जो हरी नूं याद करता है, जो भगती करता है, जो उन्हों हर वेले सुख वेले दुख वेले भी इको जहा नाल समझदा है, उहदी रक्षा करन दा ठेका प्रभु परमात्मा खुद लैंदे। कंठ लाए अवगुण सब मेटे, उसनों जिस तरह माँ बाप बच्चे नूं सीने नाल ला के उहदे सारे दुख दर्द जिहड़े आ दूर करदे आ, उस तरह प्रभु परमात्मा उन्हों अपने सीने नाल हमले लगा के कंठ लाए अवगुण सब मेटे। अवगुण ही सानू परेशान करते हैं और अवगुणा का वो प्रभु परमात्मा नाश कर देता है, क्योंकि दयाल पुरख बख्शन साडा काम है उन्हें याद करना। दयालु तो है ही है, बख्शन हर है ही है। हर जन राखे गुरु गोविंद, हर जन राखे गोविंद। अज असी समझने की कोशिश करांगे कि आखिर हर जन जिदा प्रभु परमात्मा आप रक्षा करन दा सारा करता है, वो हर जन दियां की खूबियां और किस तरह का होता है। जन छोड़िया सब लाखो, हर जन की यह खूबी है कि वह अपना आप छड़ दिंदा है। साड़ी प्रॉब्लम यही है सी, मैं करन हार, मैं करता वा, इनू नहीं छड़दा। जिस वेले इनू छड़ दांगे तो हर जन रख्या करन वाला आएगा। क्यों? हर जन छोड़िया सगला आप, क्यों जानो त्यों राखो गुजार, छोड़ता ते प्रभु तेरी रजा जिस तरह चाहे रख। देख जीवा प्रताप, मैं तेरा प्रताप दे दे के जी रहा। हर जन उत्तम उत्तम बानी, मुख बोले परे उपकारे, जो जन सुने सरदाव भगत सेती, जो जन सुने सरदा भगत सेती। ये इंपॉर्टेंट है कि जेड़ा जन भक्ति हर जन उत्तम बाणी बोलता है, जो बोलता है पर उपकार की गल करता है, उसकी सरदा भक्ति के नाल उसकी गल सुनो। जो जन सुने सरदा भगत सेती, कर कृपा हर जन राखे
जन को हरदन बन जाओ हरदन संचो जिस लागत है नहीं चोर। कितनी इंपॉर्टेंट गल है हरजन की सिफत। हरजन बोलत श्री राम नाम उसके मुँह च जल गल सुनोगे प्रभु परमात्मा की गल सुनोगे। मिल साध संगत हर भी तोरे उतरिया है साध संगत के नाल मिल के हर दन बन जाओ हर दन संचो जिस लागत है ना ही चोर। हर दन का यो व्यापार करना है और हर दन ही संचो कट्ठा करना है। हरी का धानी वो कट्ठा करता है हरी के दन का यो व्यापार करता है क्योंकि वो दंदी है खूबी है जिस लागत है ना ही चोर। हर जन राखे गुरु गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद। राखन हार तिसका अंग करे निरंकार जो जो शरण पया हरि राय सो दास रखिया जन राखे गुरु गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद। तो ये तीसी हर जन राखे गुरु गोविंद इस तरह का हर जन होता है। नेक्स्ट लाइन जड़िया अगलिया पंक्तियां हैं चतुर दिशा कीनो बल अपना रखिया जो कर सकता है जिदी ताकत हो गए। चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो प्रभु परमात्मा का चारों तरफ चौदह दिशावां दे विच बल फैलिया होया है इस करके उदी सिर दे उत्ते हाथ रखन दी बचान दी समर्था है। कृपा कटाख अवलोकन कीनो बहुत सुंदर लफ्ज है। कृपा की दृष्टि के नाल वो देखता है अपने भक्तों को। कटाख दृष्टि अवलोकन देखना कृपा की दृष्टि के नाल उन्होंने वाल तकदा रहा है उसका रिजल्ट की होंगे दास का दुख बिदारियो। चतुर दिशा कीनो बले अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाख अब
हर जन राखे गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद हर जन राखे गुरु गोविंद अगलियां पंक्तियां जिड़ियां बहुत ही फेमस है और जिन्हों असी बहुत अच्छी तरह जानते समझ जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे इस तरह के मैं पहले ही दस्या सी ये सुनने च बहुत अच्छा लगता है क्योंकि असी लोग अपने शरीरिक वृत्ति तो ना उपर उठ ही नहीं पाते साड़ियाँ मंगा भी हो जी हैं जिड़ियाँ शरीर वास्ते हैं कुछ मगर इतनी जिड़ी गल पानी करती है और दूसरी मांग की करती है अगे जिक्र करांगे जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे वो अपने हरिजन नू अपने सेवक नू जो मंगदा दिंदा है नानक दास मुक्ति जो बोले इहां उहां सच होए इन आम तौर पर असं ये समझने कि नानक जी जो भी बोलते हैं इतने भी सच है उत्थे भी सच है नहीं इस तरह नहीं है ये बाणी धुर तो आई है नानक जी एक माध्यम है जिन्हां दे थ्रू आई है नानक दास वो प्रभु परमात्मा नानक नू एड्रेस करके कह रहे हैं हे नानक ऐसा दास कैसा दास जिदा पहले जिक्र किया है कि जिदा ठेका प्रभु परमात्मा ने ले लिया और जिन्हों सिर दे के हाथ रखन दा उन्होंने ठान लिया है ऐसा दास जो है वो जो मुँहों कटेगा वो इत्थे भी सच इस लोक भी सच ते उत्थे उस परलोक विच भी सच जो मांगे ठाकुर अपने हरिदा जन की मंगदा है मांगो दान ठाकुर नाम सिर्फ प्रभु का नाम मंगदा है क्यों और कुछ मेरे संग ना चले मिले कृपा गुण गान हे प्रभु ऐसा करो कि मैं तो तुहाडे गुण गाता रहा ये मेरी मांग है मांगो दान ठाकुर नाम जो मांगे ठाकुर अपने ते सोई सोई सागल मनोरथ पूरन होवे सिमरो तुमरा नाम मांगो राम ते एक वन एंड दी ओनली वन एक दान जो मांगे ठाकुर अपने छड़
देखना ही है कि काम क्रोध लोग छोड़ो और मंगना ही है। बहुत कहते हैं बहुत अच्छी गल है, जरूर मंगो, मांगना मांगन निकाह, निकाह कहते हैं बहुत प्यारा है, सुंदर है, अच्छा है, मंगो, पर मंगो कि हर जस गुरते सब थोक भगत लोग बहुत जोश चला गए, सब कुछ सब पदार्थ मांग रहे, सब की मानुक को जाचत श्रम पाए, कि मनुष्य की अगर सेवा करांगे तो मेहनताना ही मिलेगा ना, लेबर ही मिलेगी। प्रभु के सिमरन मोख कर ले।
पूर्ण रक्षा पूर्ण गुर पूरे उस प्रभु परमात्मा ने मेरी रक्षा कर ली की कीता। अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई गुरु पूरे मेरी राख जन्म जन्मांतर भी मैं भी कट दी इस तरह की रखा ब्रह्म परमात्मा ने की हरि जन हरि जन राखे पावर है बाणी दसदी है कि उसके परमात्मा के विच कोई फर्क नहीं है। असी सिर्फ साढ़े आले की आंदे हर जन्म इस शब्द को विचार कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि असी भी उस प्रभु परमात्मा की जन बन सकी। कबीर जी के चार श्लोक अपने आप इनू एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग की कर कहते कबीर रोड़ा होए रो पाटका तज मन का अभिमान ऐसा कोई दास होए ताई मिले भगवान। इस तरह अहंकार अपना छड़ दे तो जिस तरह के रोड़ा पत्थर जिहड़ा सड़क के उत्ते पिया होया अभिमान ऐसा कोई दास हो ताहे मिले भगवान। हरि जन राखे गुर गोविंद हरि जन राखे जाने तसली नहीं होती रोड़ा हो पाठ के बाद तसली नहीं हुई की कहते आप कबीर सॉरी कबीर रोड़ा हुआ ता क्या बया की हो गया बड़ी गल की हो गई रोड़ा बन गया पंथी को दुख दे ऐसा तेरा दास है जो धरनी में खेल। कहते रोड़ा हो गया तो की हो गया ये तो आंदे जाने ठेडा लाएगा पंखी को दुख दे पंथी कहते रस्ता चलन वाले राजियां नू पंथी को दुख दे पर इंसान इस तरह आ चाहिए जिस तरह धरती से पई हुई मिट्टी। हरि जन राखे जो उड़ लागे अंग ऐसा हर जन ऐसा चाहिए जो पानी सरबंग। कहते खे हो गई तो की होया जरा हवा ही उड़ उड़ के अखा च पेगी तुम नाश करेगी परेशान करेगी। बंदे नु इस तरह आना चाहिए पानी वागो पानी सरबंग सरबंग का मतलब सरब अंग पतीले च पा लो पतीले वर्गा घड़े च पा लो घड़े वर्गा गिलास पा लो गिलास वर्गा सरबंग जो इस तरह का चलाओ चल पैंदा। इस तरह का हो अपना अहंकार छड़ दो पानी दे वांग हरि जन राखे
कबीर पानी हुआ ता क्या भया सीरा ताता होए पानी भी होया तो कहते की होया कभी ठंडे तो कभी गर्म सर्दियां आईया तो बाहर रखो पानी ठंडा गर्मियां तो गर्म कहते नो साढ़े कोई पूजनी आजन सो काल संत महात्मा से उन्होंने पैर भी चुमाने मत्था भी टेकेंगे चढ़ावा भी चढ़ावे बहुत करांगे घर का नौकर है वो देखो जरा ही गलती हो गई थप्पड़ सार कर लांगे ये है सीरा दाता हो पानी का गुण जिस वेले हर वेले एक तरह का इंसान नहीं रह पाता ठीक है। अगली आखिरी लाइन क्लाइमेक्स लाइन है कि अर्जन किस तरह का होना चाहिए पानी हुआ ता क्या बया सीरा ताता हुए हर जन ऐसा चाहिए कैसा चाहिए जैसा हर ही होए हर जन राके गुरु गोविंद हर जन जदों इस तरह की स्थिति बन जाती है इसी भाव नो हर हर जन दोए एक है दसवीं पातशाही बिभु विचार कछु नाहीं हरि और हरि का जन दोनों एक है इस किंचित मात्र भी थोड़ा जा भी फर्क मत समझना भुलेखा ना समझना किस तरह जलते उपज तरंग ज्यों जल ही पिके समाए हर जन राके गुरु गोविंद हर जन राके गुरु गोविंद गुरु गोविंद हर जन राके गुरु गोविंद नौ सारे हर जन राके गुरु गोविंद हर जन Thank you.
है।